रेडियो मधुबनस्य श्रोतृवृन्दाः, अहं लीना महेन्दळे स्वागतं व्याहरामि. आगच्छन्तु अस्माकं प्रतिरविवारस्य पठामि संस्कृतम् इति कार्यक्रमे. अद्य वयं भगवद्गीतायां प्रथमाध्यायस्य आरम्भं कुर्मः. अर्थात् रेडियो मधुबन के श्रोतागण, आज के रविवार के पठामि संस्कृतम कार्यक्रम में हम भगवद्गीता के पहले अध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे. तो थोड़ा सा ये बता दूं कि अयम भगवद्गीता इति ग्रंथः अस्माकं देशस्य प्राणः एव अस्ति. अस्माकं संस्कृत्याः परिचायकः अयम ग्रंथः. अर्थात भगवद्गीता का यह ग्रंथ हमारे देश का प्राण है और हमारी संस्कृति का परिचायक यह ग्रंथ है. और यह प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहा गया यह ग्रंथ है, इसलिए इसका महत्व अनन्य साधारण है. श्री कृष्णस्य मुखारविंदेन कथितम अयम ग्रंथः तस्य महत्वम वर्णनातीतम एव अस्ति. भवन्तः शृण्वन्तु, अर्थात आप सुने. तो आइए मित्रों, पहले श्लोक से आरंभ करते हैं. घटनाक्रम यूं है कि महाराजा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और उसके भाई पंडु के पुत्र पांडव युद्ध भूमि में एक दूसरे के सम्मुख युद्ध जीतने की अपेक्षा लेकर के खड़े हुए हैं. दोनों के साथ बड़ी भारी सेना भी उपस्थित है और धृतराष्ट्र जो कि जन्मांध है, वह जानना चाहता है कि पल पल युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है. ऐसे समय महर्षि व्यास उसके सचिव संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि राजा के पास बैठकर ही वह युद्ध भूमि का पूरा दृश्य देख सकता है, सुन सकता है. तो इस प्रकार महाराजा धृतराष्ट्र के सम्मुख संजय बैठा हुआ है और युद्ध भूमि का वर्णन उनसे करने वाला है. यह है भगवद गीता का प्रसंग. तो आरंभ करते हैं इसके पहले अध्याय के पहले श्लोक से. धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा. और यहाँ उवाच शब्द से हमें पता चलता है कि यह बहुत ही पुरातन काल की बात है. तो चूंकि यह घटनाक्रम आगे चल करके स्वयं महर्षि व्यास ने ही रचा है, लिख डाला है, इसलिए उवाच शब्द बताता है कि जब व्यास जी इस घटनाक्रम को श्लोकबद्ध कर रहे थे, उसके काफ़ी समय पूर्व ही यह घटना घट चुकी थी. अति भूतकाल की यह घटना थी, इसलिए यहाँ उवाच शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि वच शब्द का भूतकालिक रूप है और एक वचन को दर्शाता है. तो धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र ने यह कहा. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. यहाँ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो जो युद्ध भूमि है वह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है, जो कि धर्मक्षेत्र भी है. धृतराष्ट्र कहता है कि उस युद्ध भूमि पर समवेतायुयुत्सवः, समवेता अर्थात जो एकत्रित हुए हैं, और युयुत्सवः अर्थात युद्ध की इच्छा रखने वाले, युद्ध के लिए आतुर. मामकाः अर्थात मेरे पुत्रों ने, और पांडवाश्चैव अर्थात पांडवों ने भी. किम अकुर्वत संजय, हे संजय क्या किया. किम अकुर्वत अर्थात युद्ध भूमि में उन्होंने क्या किया. तो संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत. दृष्ट्वा अर्थात देखकर, और अनीकम अर्थात सैन्य. तो पांडवानीकम, ये भी समास है. पांडवानाम अनीकम, पांडवानीकम अर्थात पांडवों की सेना को. और व्यूढ़म का अर्थ हुआ जो व्यूह बना करके खड़ी है. तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने, जो पांडवों का सेनापति था, उसने पांडवों की सेना को एक व्यूह में खड़ा किया था. ये उसी का वर्णन दुर्योधन
कर रहा है और राजा वचनम अब्रवीत, राजा संबोधन यहाँ दुर्योधन के लिए है। राजा दुर्योधन ने आचार्य के समीप पहुंचकर यह वचन कहा, वचनम अब्रवीत। आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर, तो यहाँ उपसंगम्य शब्द का प्रयोग हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप, कि आचार्य के समीप पहुंचकर राजा दुर्योधन ने ये शब्द कहे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन ने कहा कि हे आचार्य अर्थात द्रोण, पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् महतीं चमूं अर्थात पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को, पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम, पश्य आप देखो। तो यह महतीम चमूम ये दोनों द्वितीय विभक्ति में है, क्योंकि दुर्योधन द्रोण से कह रहा है कि आप इस विशाल सेना को पश्य देखें। और इस सेना का जो व्यूह बनाया हुआ है उस व्यूह को भी देखें, व्यूढ़ाम, यह भी द्वितीय विभक्ति में आ गया। और ऐसा व्यूह तो धृष्टद्युम्न के द्वारा बनाया गया, और धृष्टद्युम्न शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, उसकी जगह द्रुपद पुत्र यह संज्ञा लगी है। तो द्रुपद पुत्रेण ये तृतीय विभक्ति हो गई, द्रुपद पुत्र के द्वारा रचा गया व्यूह। और उसी द्रुपद पुत्र के जो दो विशेषण लगे, तव शिष्येण, तो शिष्येण ये भी तृतीय विभक्ति हो गई। और धीमता अर्थात धी रखने वाला, बुद्धि रखने वाला, ऐसा जो आपका शिष्य है उसके द्वारा, तो धीमता ये भी धीमान शब्द की तृतीय विभक्ति हो गई। कैसा व्यूह, उसका वर्णन है, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण अर्थात आप ही के शिष्य जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न है उसने इस व्यूह की रचना की है। तो धृष्टद्युम्न के व्यूह में स्थानापन्न हुई इस महान सेना को और उसके सेनानियों को हे आचार्य आप देखें। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। और दुर्योधन आगे बताता है कि यहाँ कौन कौन है, तो अत्र शूरा, शूरा अर्थात शूरवीर, और महेशवासा का अर्थ हुआ बहुत बड़े बड़े धनुष रखने वाले। तो यहाँ भीम और अर्जुन के समान जो युद्ध में शौर्य दिखा सकते हैं, वीरता दिखा सकते हैं, ऐसे योद्धाओं का नाम दुर्योधन गिना रहा है। उनमें वह गिनाता है युयुधान अर्थात सात्यकी को, विराट को और द्रुपद को भी गिनाता है, कि ये सारे महारथी हैं जो युधि अर्थात युद्ध भूमि में, ये सप्तमी विभक्ति हो गई, और युद्ध भूमि में जो भीम और अर्जुन के समान वीरता दिखा सकते हैं, भीमार्जुन समा, ऐसे वीरों के नाम ये हैं। अयि मित्रगणाः विरमामि अहम् पुनरपि मिलामः, अर्थात हे मित्रगण अब मैं रुकती हूँ, पुनः मिलेंगे। तुम सुनते रहो पठामि संस्कृतम्, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो, नमस्कार।